चलो हो गया, अब मुझे बिता दीजिए क्योंकि मैं वहाँ कैंडिडेट फिक्स है। बोला है डॉक्टर आ गया, मेरे डॉक्टर ने हमारे यहाँ इस विभाग के राजस्थानी समाज की तरफ से जो आज ईद मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम में शरीक होकर के मुझे बहुत आनंद हो रहा है। ईद की खुशियाँ बांटने आया हूँ, ईद पर सबको मुबारकबाद देने आया हूँ, ईद के साथ साथ बासी ईद और तिरासी ईद की भी मुबारकबाद देने आया हूँ मैं। ईद हो या दिवाली हो या होली हो या बकरा ईद हो, ये सब भारत के त्यौहार हैं। ये त्यौहार हम सब मिलजुल करके मनाएं, एक दूसरे से गले मिलें, यही इसी में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ेगी। जो लोग बांटना चाहते हैं हिंदुस्तान को जाति या मजहब या धर्म के नाम पर, उन लोगों से सावधान रहें और एक दूसरे के साथ मिल करके हम रहें, यही ईद के लिए मैं सभी लोगों को शुभेच्छा देना चाहूँगा। हाँ, नशा मुक्ति अभियान, हमारा नशा मुक्ति अभियान जो है वो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। हमें बहुत खुशी इस बात की कि अभी तक हमने 10 लाख रोगियों को नशा मुक्त किया है। हमारे पूरे इंडिया में 12,000 सेंटर्स है, निःशुल्क दवाई दी जाती है, निःशुल्क कैंप लगाए जाते हैं और मैं अवार्डेड हूँ। परसों यहाँ हज हाउस में प्रोग्राम था, सीएम साहब आए हुए थे, कुदरती मैंने उनको एक लेटर दिया तो बहुत खुश हुए, नीचे गाड़ी से नीचे उतरे उनका। मैं तो शायद परसों हुआ आऊँगा, वरना हमारे साहब जरूर आएंगे। और उनका आपका नशा मुक्ति अभियान कैसे चल रहा है, उनका कुछ महाराष्ट्र में किया ही नहीं किया। मैंने साहब किसी मराठी आदमी से पूछिए आप, कुदरती किसी ने बोला कि साहब बहुत अच्छा है। इतने देर ये सभी इन सब के सामने वो बात हुई है, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। और हमारे राजस्थान में हिंदू लोग ईद मनाते हैं, मुस्लिम लोग दीपावली मनाते हैं, सांप्रदायिक स्वाद का उदाहरण है। और ये मैं जहाँ से पैदाइश है मेरी, मैं डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार झुंझुनू का रहने वाला हूँ। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की ये खासियत है कि हमारे नगर सेठ जिन्होंने सबसे पहले खेतान सेठ जिन्होंने झुंझुनू बसाया, अपनी जो बड़ी हवेली बनाई तो पास में पहले उन्होंने मस्जिद बनाई, बाद में उन्होंने अपनी हवेली बनाई, फिर उन्होंने मंदिर बनाया और आज भी खेतानों वाली मस्जिद कहलाती है। पूरा खर्चा आज तक खेतान परिवार से जाता है। दूसरा, केड या जितने भी हिंदुस्तान में होंगे केड से हैं और केड में जो स्थान है वो पीदिया स्थान है, मुस्लिम वहाँ पूजा करते हैं, हिंदू वहाँ पूजा करते हैं और केड का जो भी केडिया है उसका झूला केड में ही उतरता है, उनके बाल केड में उतरते, ऐसी वेल नोन बात है, आप सभी जानते हैं।